गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं लैक्मे के फाउंडेशन के बारे में, मूस फाउंडेशन के बारे में। एज सच इसकी ऐसी क्यूटी क्यूटी सी पैकेजिंग होती है एंड 750 रुपीज़ इसकी MRP है, बट अभी बहुत ही प्यारे डिस्काउंट के ऊपर चल रहा है ये नायका के ऊपर। अभी मैंने जस्ट स्क्रोलिंग कर रही थी मैं, तो मैंने देखा ये लैक्मे का फाउंडेशन बहुत ही अच्छे वाले डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहा है। लाइक 47% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको रिसेंटली ऑन नायका। आज है 29 जून, तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट मैंने देखा और आप लोग सब, मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है। एंड सबसे पहले आप देख लीजिए डेमो, उसके बाद हम बात करेंगे बाकी चीज़ों। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस सीरम लगा रही हूँ फ्रॉम गुड वाइब्स। ये गुड वाइब्स प्लस का टी ट्री प्लस मलबेरी सीरम है जो आपको सीबम कंट्रोल करता है, बट उसी के साथ बहुत ही नॉन स्टिकी नॉन ग्रीजी स्किन को मॉइस्चराइजिंग सीरम है, बहुत ही इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देता है। और मेक श्योर स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए। और यहाँ पर मैं कोई एज सच प्राइमर अप्लाई नहीं करूँगी, जस्ट आपको पहले हाफ फेस के ऊपर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ ये मूस फाउंडेशन, एंड अपनी फिंगर्स के साथ ही ब्लेंड करने वाली हूँ। कोई ब्रश कोई ब्लेंडर नहीं यूज़ करूँगी, जस्ट फिंगर के साथ ही अच्छे से इवनली ब्लेंड हो जाता है। दूसरी साइड में आपको ब्लेंडर के साथ अप्लाई करके दिखाऊंगी इसको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिंगर्स के साथ ही इसको इवनली स्प्रेड कर लिया है अपनी फेस के ऊपर, बिकॉज हमारी फिंगर्स की वॉर्म्थ के साथ ही, हमारी बॉडी की वॉर्म्थ के साथ अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। बिकॉज ये एक मूज क्रीमी फेदर टच फाउंडेशन है, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है। सो यू कैन सी द डिफरेंस, अच्छे से हो गया है ब्लेंड, सेटल हो गया है। हल्का फुल्का सा ये आपको मीडियम कवरेज देता है। सो बहुत ज़्यादा हाइपरपिगमेंटेशन है तो आपको कलर करेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज़ यू कैन ब्लेंड इट विद योर फिंगर विदाउट एनी कलर करेक्शन एनी ब्रश। और दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे ब्लेंडर के साथ आपको ब्लेंड करके दिखा रही हूँ। तो ब्लेंडर के साथ क्या है, ऑब्वियसली ब्लेंडर्स के साथ हमारा जो प्रोडक्ट है वो अब्जॉर्ब होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि शेयर टू मीडियम वाली जो कवरेज है, इधर जहाँ पे फिंगर्स के साथ ब्लेंड किया था वहाँ पे ज़्यादा कवरेज है इंस्टेड ऑफ अदर साइड। तो दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं जो मेरे मार्क्स वगैरह हैं एक्ने पिंपल्स के, वो विजिबल हैं बिकॉज मैंने ब्लेंडर के साथ ब्लेंड किया था। प्रोडक्ट मैंने सेम क्वांटिटी में लगाया बट ब्लेंडर में अब्जॉर्ब होने की वजह से वो प्रोडक्ट अब्जॉर्ब हो गया, तो कवरेज थोड़ी कम मिली है। तो मेक श्योर इसको आप ब्लेंड कीजिए फिंगर्स की हेल्प के साथ, उसके बाद हल्का फुल्का डैब कर सकते हैं जिसके साथ, वो भी डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। हल्का सा आप कॉम्पैक्ट का सेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको पहले हाफ फेस के ऊपर ही करके दिखाऊंगी। अगर एक्सेस में ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में ऑयली स्किन, तब आपको कॉम्पैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वरना अदरवाइज आपको कॉम्पैक्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड एज यू कैन सी मैंने हाफ फेस के ऊपर सिर्फ लगाया है ये कॉम्पैक्ट, अदर साइड पर मैंने कॉम्पैक्ट नहीं लगाया है, तब भी कोई ऐसा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइक आई सेड कि ये आपको एक ही प्रोडक्ट, अगर आपके पास ये वाला लैक्मे का मूस फाउंडेशन है तो आपको एज सच किसी कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी स्किन के ऊपर, किसी कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉम्पैक्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपकी एक्सेस में ऑयली स्किन नहीं है। तो अगर आपकी ड्राई है नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको किसी कॉम्पैक्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लाइक इसका मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा लेयर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बात करें इसके टेक्स्चर की तो लाइक हेंस इट्स अ मूस फाउंडेशन, तो इसकी पैकेजिंग ऐसी आती है, डबल लेयर आपको यहाँ पे मिल जाती है प्रोटेक्टिव लेयर के साथ एंड प्रोटेक्टिव कैप के साथ। और यहाँ पे मैंने कितना सारा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है एंड 750 इसकी MRP है। 9 शेड्स में टोटल अवेलेबल है ये नायका के ऊपर, आपको डस्की मीडियम फेयर स्किन टोन के लिए अच्छे से सूटेबल है एंड ऑक्सीडाइज नहीं होता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट अ फाउंडेशन। क्योंकि अगर फाउंडेशन समटाइम्स हम परफेक्ट मैच पिक कर लिया लेकिन अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो उसके बाद हमारा जो परफेक्ट मैच परफेक्शन वाली चीज़ है वो पानी में चली जाती है बिकॉज हमारी स्किन डार्क लगने शुरू हो जाती है। तो इस फाउंडेशन के साथ स्पेसिफिकली मूस फाउंडेशन के साथ लैक्मे की ऑक्सीडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। बात करें टेक्सचर की तो यू कैन सी कैसा एक मक्खन के जैसे आपकी स्किन में ये ब्लेंड हो जाता है। वैसे तो आपने डेमो देख लिया है बट मैं आपको हैंड के ऊपर अच्छे से इसका एक डेमो दिखा रही हूँ बिकॉज हैंड के ऊपर भी जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, हैंड्स की जो स्किन ज़्यादा रफ होती है तो उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कोई प्राइमर अप्लाई नहीं किया है। हाँ एक चीज़ और भूलना मेंशन करना भूल गई कि किसी प्राइमर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको प्राइमर की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए, इस फाउंडेशन को अप्लाई कर लीजिए एंड यू आर सॉर्टेड। और बात करूँ इसको हैंड के ऊपर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है,
बहुत ही कम आपका प्रोडक्ट लगेगा अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हाइपर पिगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, बट बाकी इसकी बिल्डेबल कवरेज है। अगर आप इसको बिल्डेबल कर सकते हैं और भी ज़्यादा फुल कवरेज आपको चाहिए तो आप इसको बिल्डेबल कर सकते हैं। बाकी बात करें तो कोई ऐसा इसके साथ ड्राई पैचेस की प्रॉब्लम नहीं आती है। लाइक इसको मैंने हिल स्टेशन पे वगैरह पे भी यूज़ किया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर होता है, तो वहाँ पे भी इसने मेरे को ड्राई फील नहीं दिया था, ड्राई पैचेस नहीं दिए थे। बट मेक श्योर कि अच्छा सा मॉइस्चराइज़र तो ज़रूर से अप्लाई करना ही चाहिए बिफोर एनी फाउंडेशन। हाँ, प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर प्राइमर के आप बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हो तो प्राइमर आप स्किप कर सकते हो, अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। बाकी मैंने आपको विदाउट प्राइमर लगा के दिखाया। एंड बात करें स्टेइंग की, तो ये 12 से 14 घंटे, वैसे तो कंपनी अप टू 16 आवर आपको बोलती है कि ये रहता है, बट नहीं, 12 से 14 घंटे आराम से निकल जाते हैं विदाउट टचअप, आई थिंक विच इज़ अ ग्रेट थिंग ना। एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, एंड गुड क्वांटिटी आपको मिल जाती है 25 ग्राम की, एंड 750 MRP अभी डिस्काउंट पे मिल जाएगी 2 साल की शेल्फ लाइफ के साथ आपको मिल जाता है ये प्रोडक्ट, विच इज़ वेरी ग्रेट। मतलब 2 साल में आपका 25 ग्राम प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉलो करना मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।